गाइस दिस इज का स्वागत है आपका ब्लास्टर न्यूज में। तो आज हम बात करने वाले यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कैरी मिनाटी के बारे में। तो भाई कैरी मिनाटी का एक आर्टिकल आया है इंडिया टुडे पर, तो भाई उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कैरी मिनाटी से, जिनका रिप्लाई किया है कैरी मिनाटी ने, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया बिग बॉस को लेकर कैरी मिनाटी के रिगार्डिंग जो र्यूमर्स वगैरह फैल रहे थे उसके बारे में कैरी मिनाटी का क्या कहना है। कैरी मिनाटी इसका रिप्लाई किए भाई वो बिग बॉस में जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इनफैक्ट वो बिग बॉस भी तब देखते हैं जब उनको वीडियो बनाना होता है। भाई आप देख सकते हो कैरी मिनाटी ने साफ मना कर दिया, बिग बॉस में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। ऑल्सो उनसे पूछा गया कि भाई बॉलीवुड में एक्टिंग करियर को लेकर उनका क्या कहना है, क्या वो एक्टिंग करना चाहेंगे। देन इसका रिप्लाई किया कैरी मिनाटी, मैं 2 साल पहले एक्टिंग में इंटरेस्टेड था बट अभी मैं नहीं हूँ, क्योंकि एक्टर बनने के लिए काफी ज्यादा स्किल चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ छोटे मोटे रोल्स वो कर सकते हैं लेकिन जो भी करेंगे दिल से करेंगे। और भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे गए, तो भाई अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो भाई चलिए अब हम बात करते हैं थगेश के बारे में। तो भाई थगेश अपने न्यू वीडियो का रिगार्डिंग अपडेट्स दिए कि भाई उनके जो फाइनल ईयर एग्जाम्स चल रहे हैं फिर भी वो एक शॉर्ट फिल्म पर काम कर रहे हैं लास्ट 6 दिनों से, इस उम्मीद में कि भाई आपको उनका वीडियो पसंद आएगा। तो भाई उनका ये वीडियो आपको इस वीकेंड से पहले देखने को मिल जाएगा। तो भाई चलिए अब हम बात करते हैं एंग्री प्राश के बारे में। तो भाई एंग्री प्राश अपडेट दिए कि भाई उनका जो एनिमेशन वेब सीरीज है ट्विस्ट, उसका वो सीजन 2 लेकर आ रहे हैं जिसकी स्क्रिप्टिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो भाई जल्दी ही आपको उसका सीजन 2 देखने को मिल जाएगा। तो भाई चलिए अब हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हो स्काउट का चैनल कुछ दिन पहले हैक हो गया था, जो कि भाई फाइनली अभी आ चुका है। एंड भाई इस बारे में स्काउट कल अपने लाइव स्ट्रीम पर बात किए कि भाई जब उनका चैनल हैक तो भाई हैकर ने क्या क्या चेंजेस किए थे उनके अकाउंट में, उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। मेन सीन पता क्या हो गया कि अपना जो अकाउंट है ना जब पासवर्ड चेंज हुआ है भाई कुछ आया ही नहीं अलर्ट कि भाई यू आर बीइंग कि आप लॉग इन कर रहे हो कहीं और ऐसे फलाने ढिकाने कुछ नहीं, सीधा अकाउंट चेंज। ठीक है, आप आदमी का जो बैकअप रहता है क्या होता है रिकवरी ईमेल, तो भाई तुम कोइंसिडेंस हो सकते हो क्या, हो क्या हुआ होगा बताओ क्या हुआ होगा अपना रिकवरी ईमेल का, रिकवरी ईमेल के साथ फोन नंबर भी चेंज, तुम समझ रहे हो भाई। बंदा कोई रशिया था अपना मेन ईमेल हैक किया, रिकवरी ईमेल चेंज किया, फोन नंबर चेंज किए, 2 नए फोन नंबर डाले, ऐसा भी नहीं कि एक, भाई साहब ने पूरा मतलब चैनल का हुलिया ही बदल दिया। चलो ठीक है, अब यहाँ तक समझ लो गले तक आ चुकी चीज़ है। ठीक है, हम लोग करते हैं ट्वीट, देखो भाई ऐसा ऐसा सीन्स होता है, YouTube प्लीज हेल्प अस, YouTube का आता है रिप्लाई, तो गले से चीजें से नीचे उतरती है ऐसे छाती तक आई। ठीक है, चीजें बातें से गले से उतर के छाती तक आ चुकी है, 2 फैक्टर हर चीज था, लिटरली हर चीज था। और जैसे छाती तक आया तो एक नोटिफिकेशन क्या आता है मेरे इंस्टा पे, ये अकाउंट है। तो भाई चलिए अब हम बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो भाई फ्लाइंग बीस्ट बन चुका है इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर विद 3.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड भाई इससे पहले गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी थे इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर, जिनको आज फ्लाइंग बीस्ट ने बीट करके बन गए हैं इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर। तो भाई मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू फ्लाइंग बीस्ट। तो यार आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।